देखिए, आज हमारे घर में गैस खत्म हो गई है, तो गैस नहीं चल सकती, तो हमने एक जुगाड़ बनाया है। ये सैंडविच टोस्टर है और हमने इलेक्ट्रिक टेस्ट टोस्टर है, ये हमने लगा दिया है इलेक्ट्रिक सॉकेट में। अब मैं इसको ट्रायंगल की शेप में पराठे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, ये मैंने इसे ऑन कर दिया है और मैंने दो पीसेस यहाँ रखे हैं, दो पीसेस मैंने यहाँ रखे हैं, जो चार पीसेस कटते हैं एक पराठे में से इस पिज्जा कटर की हेल्प से। अब देखिए, ये हमारा जुगाड़ है आज के दिन का। जब तक हमारी गैस नहीं आती, सिलेंडर नहीं आता, तब तक हम इसी पराठे को ऐसे ही खाएंगे और आज का दिन पूरा करेंगे। तो आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हो, अगर आपके घर में भी इलेक्ट्रिक टोस्टर है तो आप पराठा बना के स्टफिंग भर के आलू की, ऐसे ही इसमें स्टफिंग थी आलू की, स्टफिंग भर के आप पराठा के शेप में आप उसको बेल लीजिए गोल सर्कल शेप में, एंड देन इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर 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 दीजिए अपने फोर पीसेस में। और एक जो क्वार्टर होता है उसका पराठे का आप ऐसे सेक सकते हैं इसमें, तो एटलीस्ट आप कम से कम थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं उस दिन के लिए, जब तक ये आपका गैस नहीं आ पाती है। इस साइड में मैं ऑयल लगाना, ऑयल लगा रहा हूँ अभी इधर, तो ये सीख जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है इसमें क्योंकि हीट इसमें प्रॉपर वैसी नहीं आती जैसे आप में आपको गैस में मिलती है, मगर एटलीस्ट आपका गुजारा चल जाएगा। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसको ऐसे किसी सिचुएशन में जहाँ पे आपकी गैस नहीं है, या फिर आप कहीं मतलब कहीं शिफ्ट हुए हैं इमिडिएटली और आपके पास गैस सिलेंडर पहुँचा नहीं आपके घर में, तो इलेक्ट्रिक टोस्टर आप लेके जाइए, तो आप इजीली इसको यूज़ में ला सकते हैं। एटलीस्ट सैंडविच भी बना ही सकते हैं। सैंडविच मैंने बना ली ऑलरेडी, बट ये पहले से रखा हुआ था, जब ये गैस हमारी सिलेंडर ख़त्म हुआ था तो मैंने सोचा इसे यूज़ करा जाए एटलीस्ट। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन यूटिलाइज दिस टोस्ट इलेक्ट्रिक टोस्टर फॉर यूजिंग आलू पराठा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।